वंदे मातरम। शनिवार का दिन और 26 जून 2021 उदय मन्ना आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक राम जानकी संस्थान आप लोगों से मुखातिब हो गए हैं। और आप जानते हैं कि ब्रेक के बाद पिछले गुरुवार से 138वें एपिसोड फेसबुक लाइव के साथ आप लोगों से वार्तालाप हुआ था और आज 139वां फेसबुक लाइव शो है। आरजेएस फैमिली के साथ बातचीत करके सकारात्मक भारत आंदोलन को गति देना यही उद्देश्य है। और आप जानते हैं कि कोविड-19 काल है, कोरोना वायरस काल में जो कम्युनिकेशन है वो एक थेरेपी की तरह काम करता है और इसीलिए इसकी शुरुआत की गई और हम लोग 139वें एपिसोड तक पहुंच गए हैं। फिजिकल बैठकें नहीं हो रही हैं, नहीं तो फिजिकल बैठकें पहले हुआ करती थी, अब वेबिनार के माध्यम से हम लोग आपस में जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और लगातार वेबिनार हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि 1 जुलाई को भी डॉक्टर्स डे के दिन वेबिनार रखा गया है 11:00 बजे से, तो ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं कि सुबह सुबह आरजेएस फैमिली की जो वीडियोस यूट्यूब पे लगाई जाती है, उनके जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको यूट्यूब पर लगा दिया जा रहा है और आरजेएस फैमिली के 20 ग्रुपों में भेज दिया जा रहा है। सुरजीत सिंह दिदेवार जी का रोज़ाना एक ऑडियो आता है और उसको यूट्यूब पर डाल दिया जाता है और लोगों तक भेज दिया जाता है। ये अनमोल विचार होता है, दिदेवार सकारात्मक विचार श्रृंखला। तो आज जो भेजा गया वो 12वां अंक था और उसको YouTube पर लगा दिया गया। देखिए, आपके द्वारा की गई भलाई या सहयोग सदा दूसरों के हृदय में विराजमान रहती है। दिदेवार विचार श्रृंखला 12, श्री सुरजीत सिंह जी दिदेवार। ये सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का अभियान है और इससे कहीं ना कहीं जनमानस सुबह सुबह जो है अनमोल विचार सुनती है और वो आरजेएस फैमिली के सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। इसलिए सुबह सुबह आप इस अनमोल विचार को सुनेंगे तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। देखिए, एक बहुत बड़े आकाशवाणी और दूरदर्शन के जानकार और लेखक झावेंद्र कुमार ध्रुव जी जुड़ गए हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, झावेंद्र कुमार ध्रुव जी। अभी कार्यक्रम शुरुआत हुई है, इसके लिए आपका धन्यवाद करेंगे और आपको जानकारी भी देना चाहेंगे कि आरजेएस का जो आकाशवाणी दूरदर्शन का ग्रुप है उसमें ये जानकारियाँ साझा की जाती हैं और आपके द्वारा जो आकाशवाणी और दूरदर्शन की जानकारियाँ दी जाती हैं बहुत ही सारगर्भित होती हैं, उसको आकाशवाणी के कर्मियों तक पहुँचा दिया जाता है और लोगों को उससे लाभ होता है। आपकी जानकारियाँ कई उपयोगी भी होती हैं, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। अब आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह जी दिदेवार सुबह सुबह क्या सुनाते हैं, एक बार आपको हम रूबरू कराते हैं। हम सभी एक दूसरे के साथ सहयोग देते हैं, पर कहीं भीतर इस बात का होता है कि आज जिसको हम सहयोग दे रहे हैं, जिसके साथ हम कोई अच्छाई कर रहे हैं, वो हमारी कदर नहीं कर रहा। वो प्रकट रूप से शायद कदर ना कर रहा हो, मगर हम अपने आप से स्वयं प्रश्न जब करते हैं तो हम अगर उसकी कदर प्रकट नहीं करते पर हमारे भीतर एक छाप हमेशा रहती है। इसी प्रकार हमारे द्वारा भी किया गया किसी के साथ अच्छाई या सहयोग उसके हृदय के ऊपर सदा अंकित रहेगी और अगर ये विचार सभी मानव मानेंगे तो पूरा मानव समाज एक पूरी तरह संतुष्ट और आपस भाईचारा की तरह रह पाएगा। जी हाँ, तो इसी तरह से है कि अगर आप किसी की भलाई करते हैं या किसी का सहयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके प्रति कुछ ना कुछ रहता है, वो उसे भूलता नहीं है और नेकी कर आगे बढ़िए, वो कहीं ना कहीं से आपको फ़ायदा ही देता है। आपकी इमेज जो है उसके दिल में उतर जाती है, भलाई कहीं जाती नहीं है, इसलिए सहयोग और भलाई यही है सकारात्मक विचार। और इसके साथ साथ आपको आज की जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। 26 जून है आज और आप जानते हैं कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और उनकी तस्करी के विरुद्ध जो है वो 26 जून हर साल विश्व
अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज जन्म किन लोगों का है तो वो बता दें कि बंगाली उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी जी का आज 26 जून जन्मदिन है। 1838 में आपका जन्म हुआ था बंकिम चंद्र चटर्जी। और आप जानते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं, और जो वंदे मातरम गीत है उसके ये रचयिता हैं। भारतीय गायिका और नर्तकी गौहर खान का जन्म आज के दिन 26 जून को 1873 में हुआ था। और मराठी रंगमंच के महान गायक नायक और बाल गंधर्व जो थे उनका जन्म 26 जून 1888 को हुआ। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे का जन्म 1918 में हुआ। आज निधन हुए जो प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं वो प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद शास्त्री दुग्वेकर का निधन आज 1961 के ईस्वी में हुआ था। और भारतीय फिल्म निर्माता यश गौहर का निधन 26 जून को 1961 में हुआ। यश गौहर का 2004 में हुआ। तो ये 26 जून का थोड़ा बहुत आपके जानकारी के लिए। और 27 जून कल है, 1964 में पीटी उषा भारतीय खिलाड़ी जो थी उनका भारतीय खिलाड़ी हैं जो 27 जून को उनका जन्म 1964 में हुआ। पूर्णिमा वर्मन भारतीय पत्रकार जो 1955 में 27 जून को, और आरडी वर्मन जिनको राहुल देव वर्मन के नाम से हिंदी फिल्मों के संगीतकार के रूप में हम जानते हैं, तो आरडी वर्मन का 27 जून को 1939 में जन्म हुआ था। तमिल भाषा के साहित्यकार अकिलन का 1922 में 27 जून को जन्म हुआ। और रणजीत सिंह जो भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध सिखों के महाराजा रहे हैं, रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह, तो 27 जून को उनका निधन हो गया था 1839 ईस्वी में। 2008 में 27 जून को सैम मानेकशॉ जो भारतीय सेना के भूतपूर्व अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त की थी, सैम मानेकशॉ इनका निधन हो गया था 27 जून को 2008 ईस्वी में। तो ये चीज़ें थी। इसके साथ साथ चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, बहुत छोटी सी जानकारी देंगे, बाकी जानना चाहिए, आप नेट से जान सकते हैं जामुन के बारे में। गर्मियों का मौसम है और जामुन के बारे में जानकारी ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग नहीं खाते हैं वो जामुन खाएंगे भी, लेकिन जामुन अगर खा रहे हैं तो पूरे परिवार को जागरूक कर सकते हैं। कैसे? कि जामुन खाने के तुरंत बाद हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए। अब ये जानकारी बहुत ही उपयोगी है, इन जानकारियों को हम लोगों को बता सकते हैं कि जामुन खाने के तुरंत बाद हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके शरीर में रिएक्शन हो सकता है। और इसके साथ साथ ही जामुन खाने के बाद दूध का भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये दो जानकारी जो है आज की फेसबुक लाइव में दिया जा रहा है, ताकि आप अपने परिवार, आस पड़ोस को चर्चा में इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा जो है सकारात्मक भारत आंदोलन का अभिन्न अंग है। जब हम चर्चा करते हैं तो जामुन खाने के बाद दूध का सेवन नहीं और हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए। ये जामुन का सीजन है इसलिए ये जानना ज़रूरी है। गर्मियों के मौसम में आने वाले फल जामुन कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होता है। डायबिटीज़ वाले जो मरीज़ हैं वो जामुन खाते हैं, बल्कि उसकी गुठली का भी पाउडर बनाकर खाते हैं। इस फल में बेहद ही कम कैलोरी होती है। जामुन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, विटामिन सी, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन B6 की अच्छी खासी मात्रा होती है। तो इसलिए जामुन सभी को खाना चाहिए और डायबिटीज़ वाले लोगों को तो ज़रूर खाना चाहिए। तो ये सेहत से संबंधित बातें हैं। आज JPS जॉली साहब जो लेखक हैं उनसे बातचीत की गई है, और द बुक लाइन ने सफलता की ऊंची छलांग, JPS जॉली साहब लिखित किताब का विमोचन किया गया था। और ये RJS की सकारात्मक बैठक जो कि विश्व पुस्तक मेला आयोजित हुआ था 2020 में, और उसमें JPS जॉली साहब भी आए थे, और यही एक संबंध है। सुनील भानोट साहब इसके प्रकाशक हैं, लेकिन इनके कोरोना काल में ही डेथ हो गई है मई महीने में। ये वही सीन है जब विश्व पुस्तक मेला में
जेपीएस जौली साहब और द बुक लाइन के अन्य जो लेखक हैं वो यहाँ शिरकत किए थे। उन्हीं लोगों में से जेपीएस जौली साहब भी शिरकत किए थे और उनकी किताब ये स्वर्गीय सुनील भानोट साहब ने इस तरह से अपने ऑफिस में लगा रखा था। ये चार किताबों का लोकार्पण हुआ था उस समय और सफलता की ऊंची छलांग पर। आज सुबह आरजेएस वाणी ने जेपीएस जौली साहब से बातचीत की। तो जेपीएस जौली साहब आप जानते हैं काफ़ी वरिष्ठ नागरिक हैं जेपीएस जौली साहब, लेकिन विचारों के मामले में ये प्रेरक व्यक्तित्व हैं। जेपीएस जौली साहब से जब भी आप मिलें, जब भी बातें सुने, उसका एक वानगी हम प्रस्तुत कर सकते हैं और वो बातचीत YouTube पे लगा दिया गया है। ये RJS पॉजिटिव मीडिया जो है RJS फैमिली का YouTube चैनल है, इसमें RJS के जो लोग हैं उन लोगों की ऑडियो वीडियो जो भी आती है उसको हम लोग RJS वाणी और RJS पॉजिटिव मीडिया में ये लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि द बुक लाइन की पुस्तक सफलता की ऊंची छलांग के लेखक जेपीएस जौली अंकल से RJS वाणी की बातचीत। जी हाँ, तो इस तरह से एक फैमिली सकारात्मक भारत आंदोलन भारत में शुरू हो गया है और जेपीएस जौली साहब की संक्षिप्त बातें जो हैं आप लोगों तक पहुँचाते हैं ताकि आप लोग इससे रूबरू हों। जेपीएस जौली साहब की किताब भी हमारे पास है, उस किताब से भी आपको रूबरू करा दें। सफलता की ऊंची छलांग लिखा है, कामयाबी पाओ शख्सियत बनाओ, जेपीएस जौली। और इसके बैक कवर पर देखिए, ये मैं पढ़कर भी सुना दूंगा आपको, फिर जेपीएस जौली साहब का परिचय भी दूंगा और द बुक लाइन द सुनील भानोट जिसके प्रकाशक थे दिवंगत सुनील भानोट जी, एक तरह से उनको श्रद्धांजलि भी है कि अपने ही RJS फैमिली में थे, आज वो नहीं हैं लेकिन उनकी आत्मा जब वो आत्मा परमात्मा में मिल गई है तो वो परमात्मा का कुछ अंश RJS फैमिली को भी मिल रहा है। आखिर ये भावना किस तरह से आ रही है कि हम लोग RJS फैमिली के अटूट संबंधों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। आज शरीर के साथ सुनील भानोट जी नहीं हैं लेकिन उनकी पुस्तक अमर कृति जिन्होंने जेपीएस जौली साहब ने लिखकर बनाई है वो RJS फैमिली की चीज़ है। जेपीएस जौली साहब ने जिस किताब को लिखा है वो RJS फैमिली का एक ये परिवार के सदस्य हैं जेपीएस जौली साहब। तो जेपीएस जौली साहब का सबसे पहले परिचय दे देते हैं। जेपीएस जौली जौली अंकल के नाम से भी जाने जाते हैं, एक प्रेरणात्मक लेखक और ग्राफोलॉजिस्ट हैं। ये दिसंबर 2019 तक 35 पुस्तकें लिख चुके हैं, अब तक 40 पुस्तकें हो चुकी हैं और उनके लिखे 1000 से भी ज़्यादा लेख कहानियाँ निरंतर प्रमुख समाचार पत्रों में आते रहते हैं। ये लेखक होने के साथ साथ एक उद्यमी भी हैं, एक कीनोट स्पीकर ग्राफोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने विभिन्न चैनलों पर लोकप्रिय रेडियो एवं टीवी शो किया है जो सकारात्मक जीवन के नए परिप्रेक्ष्य को उजागर करते हैं। मैं जब इस किताब को पलट रहा था तो इसमें मैंने देखा उन्होंने सकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया है, ये जनता तक पहुंचाने में और यहाँ पर भी सकारात्मक जीवन के नए परिप्रेक्ष्य को उजागर करते हैं। तो इस तरह का व्यक्तित्व है जेपीएस जौली साहब। यही लोग महान लोग हैं, आज जिंदा जिंदा महान लोग हैं। हम लोग इन लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और किताब का जो सिनोप्सिस है वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं, फिर छोटा सा अंश जो है उनकी बातचीत सुनवाएंगे क्योंकि RJS फैमिली को ग्रुप में भेज दिया गया है। अब आज फेसबुक लाइव में लेने से ये होगा कि कुछ इंटरेस्ट शायद बन जाए, तो जिन लोगों ने नहीं सुना है वो सुनेंगे, उसे शेयर करेंगे और देखिए याद दिलाना चाहेंगे, अगर आप इस सकारात्मक भारत आंदोलन के फेसबुक लाइव को शेयर करते हैं तो आप सकारात्मक भारत आंदोलन का बहुत बड़ा समर्थन करते हैं। नेकी करने के लिए हमें अलग से टाइम नहीं चाहिए, अगर आप जो लोग जुड़ गए हैं अगर वो अपने फेसबुक पे शेयर कर देंगे तो आप समझिए कि सकारात्मक भारत आंदोलन बहुत दूर तक पहुंच जाएगा, क्योंकि 5000 लोग हमारे फेसबुक पे हैं लेकिन आपके फेसबुक पर देखिए यहाँ पे रिमार्क्स भी आने शुरू हो गए हैं, मैं सबका पढ़ूंगा। तो एक बार मैं ये सिनोप्सिस पढ़ देता हूँ, तारतम्य टूटे नहीं। सफलता की ऊंची छलांग, जेपीएस जौली साहब। कोई इंसान अमीर या गरीब, छोटा या बड़ा, हर किसी का एक ख्वाब जरूर होता है। जिंदगी में एक बार बड़ी सफलता पाकर नाम शोहरत और शानदार ओहदा हासिल किया जाए, इतना तो हम सभी जानते हैं कि मेहनत और संघर्ष करने से आदमी कामयाब हो सकता है,
लेकिन इसके अलावा किस तरह के खास गुण हमारी ज़िंदगी में अनूठा परिवर्तन ला सकते हैं वो हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते। जौहली अंकल ने अपने जीवन के लंबे अनुभव के आधार पर इस पुस्तक में सैकड़ों ऐसे सकारात्मक विचार बताए हैं जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी को पूरी तरह बदलने के साथ नई दिशा दिखाने की क्षमता रखते हैं। आप चाहे देश की सबसे बड़ी परीक्षा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हों या देश विदेश में कोई बहुत बड़ा कारोबार करने के बारे में सोच रहे हों, आपके जीवन का लक्ष्य बेशक कुछ भी हो, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस पुस्तक के प्रेरक विचार ज्ञान विजन में बढ़ोतरी करने के साथ आपके सामाजिक पद प्रतिष्ठा को नई ऊँचाइयों तक ले जाने में मददगार साबित होंगे। तो ये JPS जौहली साहब के विचार थे और देखिए उन्होंने लगभग 40 किताबें लिखी हैं और सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल किस तरह से किया है ये सीखना चाहिए हम सभी लोगों को। एक इतने महान लेखक जो हैं वो सकारात्मक विचार को लेकर जनता तक अपनी भावनाओं को पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब देश निर्माण में JPS जौहली साहब का बहुत बड़ा योगदान है और उसी योगदान को आइडेंटिफाई किया आज के फेसबुक लाइव में। और लगातार हम लोग इन रचनाओं के बारे में, किताब के बारे में हम कल आपको बताएंगे कि किताब में किताब किस तरह की है, अंदर आपको दिखाते हैं। ये कहीं से भी JPS जौहली साहब का कहना है कि ये पॉइंट्स वाइड है और आप कहीं से भी किताब में उठाकर कुछ भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। जैसे मेरा मन किया चलो यहाँ से हम पढ़ते हैं, ये जो चैप्टर है ये यहाँ से पढ़ते हैं, अंधविश्वास का पर्दाफाश। चलिए अंधविश्वास का पर्दाफाश, तो इन्होंने लिखा है अंधविश्वास का पर्दाफाश, उसमें पॉइंट दिया है किसी भी विकासशील देश के लोग अंधविश्वास को बिल्कुल नहीं मानते। देखिए कितनी बड़ी बात है, विकासशील देश के लोग, भारत भी विकासशील देश है, तो अंधविश्वास को बिल्कुल नहीं मानते। सच्चाई को जाने बिना उस पर विश्वास करना सबसे बड़ी मूर्खता है, तो इस पर मनन करने की, चिंतन करने की ज़रूरत है। अंधविश्वास पर आंखें बंद करके विश्वास करना किसी पाप से कम नहीं होता। तो ये दिमाग की बत्ती जलाने वाली किताब है, लेकिन JPS जौहली साहब से जो सुबह बातचीत हुई RJS वाणी की, वो आप लोगों तक पहुंचाने का इरादा है। आप लोग सुनिएगा किताब, हम कल रविवार है, आप जानते हैं कि फेसबुक लाइव गुरुवार, शनिवार और रविवार सायं 8 बजे प्रस्तुत किया जाएगा। और JPS जौहली साहब जो RJS फैमिली से जुड़े हैं, जी JPS जौहली साहब बताएं सफलता के ऊंची छलांग के बारे में, जो कि उदय मन्ना फेसबुक लाइव में अब गुरुवार, शनिवार और रविवार को 5 मिनट के लिए पाठ किया जाएगा। जी JPS जौहली साहब नमस्कार दोस्तों, ये मेरी 36वीं किताब है सफलता की ऊंची छलांग। इससे पहले भी मैंने जो किताबें लिखी, तो मैं मेन जो मेरा मकसद होता है वो आज के युवाओं को ध्यान में रख के मैं किताब लिखता हूँ। दूसरी चीज, युवा वर्ग जो है वो किताबों से दूर होकर डिजिटल वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ ज्यादा उनका ध्यान जा रहा है, इसलिए मैं उनकी नब्ज को समझते हुए जो भी समाज में बदलाव होते हैं हमेशा उसको ध्यान में रखते हुए मैं किताब लिखता हूँ। पहले मैं बड़े लंबे चैप्टर लिखता था 10-12-15 पेज का, तो धीरे धीरे मैंने वो पैटर्न चेंज किया। तो सफलता की ऊंची छलांग लिखने का पर्पज ये था कि आज के युवाओं के पास प्रभु की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है, पैसा, अच्छा फोन, गाड़ी, घर, क्योंकि एक एक दो दो बच्चे हैं, माँ बाप के पास भी अच्छा पैसा है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो एक चीज मैं समझ पाया कि आज के युवाओं के पास सिर्फ दिशा की कमी है। जी हाँ, जो तो दिशा की कमी है और इसी दिशा को देने के लिए हमें प्रेरक किताब पढ़नी चाहिए, और जो प्रेरक लेखक हैं उन लोगों की किताब या YouTube के माध्यम से प्रेरक चीज़ें बच्चों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो युवा हैं वो बड़े जिज्ञासु होते हैं और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहीं गलत चीज़ों को क्लिक न कर दें, तो इसलिए उनके विचारों को पुख्ता करने के लिए, एक सशक्त व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए JPS जौहली साहब जैसे लेखकों की आज बहुत ज़रूरत है। और यही चर्चा जो है देश और समाज में करने का सकारात्मक भारत आंदोलन है। हमें देखिए रात दिन राजनीतिक चर्चा करके इस देश का भला नहीं हो सकता है, ये RJS का मानना है, राजनीतिक चर्चा करके देश का भला नहीं हो सकता है। देश बनता है नागरिकों से,
इसलिए राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, और यही आरजीएस फैमिली ने परिवार का निर्माण किया है। 25 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि आप लोगों की बातें, जेपीएस जॉली साहब की बातें 25 राज्यों तक भेज दी गई हैं। उसमें से बहुत से लोग सक्रिय हैं, वो लोग जुड़ते भी हैं, लिखते भी हैं और फिर आगे उसको शेयर भी करते हैं। तो आप लोग अपने अपने फेसबुक पे इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि यही सकारात्मक भारत आंदोलन है कि अगर आप शेयर करते हैं तो आरजीएस फैमिली की बात जो है वो दूर तक पहुँचेगी। और इसके बाद आइए, आरजीएस फैमिली के द्वारा ही जो आरजीएस सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार की तरफ से जो भेजा गया है, उसमें मारवाड़ी समाज किस तरह से एक जीवन शैली है मारवाड़ी समाज की, और आरजीएस फैमिली के साथ भी मारवाड़ी युवा मंच ने, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच ने एक कैंसर डिटेक्शन का, कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया था, और उसके लिए आरजीएस फैमिली ने प्रेस क्लब ऑफ दिल्ली में व्यवस्था दी थी, और मारवाड़ी युवा मंच की दो एक वैन थी जिसमें पूरा मेमोग्राफी, एक्सरे और सब चीज़ों की व्यवस्था थी उसमें। आप जानते हैं कि कैंसर जांच में 3-4 हज़ार रुपये लग जाते हैं, लेकिन मारवाड़ी युवा मंच का ये जो समाज सेवा है, ये रवि अग्रवाल जी तत्कालीन जो अध्यक्ष थे, उन्होंने आरजीएस के एक कार्यक्रम जो कि गांधी पीस फाउंडेशन में हुआ था उसमें वो आए थे अतिथि के रूप में, और उन्होंने ये घोषणा करी थी कि अगर आरजीएस फैमिली दिल्ली में कोई कैंसर डिटेक्शन कैंप का आयोजन करना चाहती है, सहयोग करना चाहती है, तो हम लोग यहाँ पर वैन को लेकर आएंगे। तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में वो आए थे, और मारवाड़ी समाज की चर्चा इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि आज जो आरजीएस सकारात्मक सूचना केंद्र पटना के द्वारा जो बातचीत की गई है, वो डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी आरजीएस फैमिली से जुड़े लेखक हैं, और इनसे बातचीत की गई है मारवाड़ी समाज के बारे में। और मारवाड़ी समाज के रवि अग्रवाल जी का ये फोटो है उस समय का। देखिए, मारवाड़ी समाज और आरजीएस फैमिली, हम लोग सभी समाज से, पूरे भारतीय समाज, राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, दिखाने का उद्देश्य यही है कि मारवाड़ी समाज से ये रवि अग्रवाल साहब है। देखिए, जय हिंद जय भारत, और ये जो मैगजीन है वंदे मातरम, ये आरजीएस की जो मैगजीन है, पहली मैगजीन है, उसका यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं रवि अग्रवाल जी। एंड ये डॉक्टर भी हैं जो कि कैंसर डिटेक्शन जाँच शिविर में टेस्ट कर रहे थे, और ब्लड टेस्ट भी हुआ था, तमाम तरह के टेस्ट हुए थे जो कैंसर से संबंधित होते हैं। और ये बैनर जो है ये डिस्प्ले किया गया था, ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच, राम जानकी संस्थान, आरजेएस, आपकी संस्था ने इतना बड़ा अभियान उठाया था, फ्री कैंसर स्क्रीनिंग कैंप जो 3-4 हज़ार रुपये लगते हैं वो एक्सक्लूसिवली फॉर मीडिया पर्सन्स एंड देयर फैमिली, ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, रायसीना रोड, नई दिल्ली, 21 मार्च 2018, 10 बजे से 3 बजे तक। रवि अग्रवाल जी, संजीव जैन जी, उदय मन्ना कन्वीनर, आरजेएस। तो इस तरह से राम जानकी संस्थान समाज सेवा के अपने कर्तव्य और भारत निर्माण में लगातार भूमिका निभा रहा है। आज डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी जो पटना से आरजीएस फैमिली से जुड़े हैं, लेखक हैं, तो आज पटना सूचना केंद्र की प्रस्तुति इनसे बातचीत करके की गई है। ये वेबिनार का सीन है, इन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया था पिछले वेबिनार का। ये डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी लेखक, कई किताबों के लेखक हैं, और देखिए, कैंसर के प्रति जागरूकता को प्रचार प्रसार में जुटी अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच और राम जानकी संस्थान ने दिल्ली प्रेस क्लब में मुफ्त कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया था, डायनामाइट न्यूज़ ने छापा था ये अखबार। तो इस तरह से समाज सेवा जो है मारवाड़ी समाज का एक, और अन्य समाचार पत्रों में भी ये खबर छपी थी, आरजेएस सहित अन्य मीडिया कर्मियों के लिए अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच ने विशेष कैंसर शिविर प्रेस क्लब में आयोजित किया, आरजेएस के सहयोग से मारवाड़ी युवा मंच ने, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में, ये खबर है, उसके फोटोग्राफ्स हैं, ये जांच शिविर लगा हुआ है। तो ये दिखाने का मतलब ये है कि मारवाड़ी युवा समाज से आरजेएस फैमिली जो है गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, और ये खबर जो है वो बनाकर आपको यूट्यूब पर लगा दिया गया है, सारे ग्रुपों में भेज दिया गया है। आप ये मारवाड़ी समाज की सकारात्मक सोच पर लेखक डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी से आरजीएस सूचना केंद्र पटना की बातचीत, ये यूट्यूब पर उपलब्ध है,
और सभी ग्रुपों में भेज दिया गया है। तो आइए उसकी एक वानगी आपको सुनाते हैं, क्योंकि आरजेएस वाणी, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया आपकी ही चीज़ है, आपके लिए है, और आप लोग इसको सुनते रहिए, देखते रहिए, और शनिवार, रविवार और गुरुवार को जुड़ते रहिए। सृष्टि निर्माण काल से तिजारत का काम सिर्फ मारवाड़ियों के हाथ में आया, उसी का ध्यान काम किया कि उसने लोगों को तरकते बिलकते फसल प्राकृतिक प्रकोप से नष्ट हो जाता था, अनाज नहीं आता था, तो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का जवाबदेही लिया, और यह जवाबदेही तिजारत यानी व्यापार के रूप में परिणत हो गया, और उस दिन से उसका वंश जो चला वह मारवाड़ी कहलाया। मारवाड़, मार जो वार, जब कभी मनुष्य पर वार पड़ता है, मार का यानी प्राकृतिक प्रकोप का झेलना पड़ता है, तो वह सहयोगी बना, और वह जहां उत्पादन हुआ, जहां प्रकोप नहीं है, वहां से सामग्री लेकर के आपूर्ति करता था। यह संपूर्ण विश्व भूमंडल पर यह कौम ने, यह जाति ने यह व्यवस्था एक बनाया, और उसका जो वंश चला वही मारवाड़ी कहलाया। तो सारे संसाधन जहाँ जो चीज का अभाव है उसको पहुंचाने का काम किया, या मानव को विकास की ओर, विकास की क्षितिज पर पहुंचाने का काम किया। आज भी देश के सत्ता पर अगर मारवाड़ी आया है तो विश्व का छठा धनी देश भारत को बना दिया, जो आज तक नहीं बना था। अब वो एक नंबर पर आना है, एक वक्त आवेगा कि अमेरिका और चीन दोनों पिछड़ जाएगा और भारत एक नंबर पर आ जाएगा, जिसकी भविष्यवाणी पिछले 20 में और 19 में बड़े बड़े वैज्ञानिक से लेकर के, और क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट लोगों ने किया है, पूरी उनका पूरा नाम था। तो इस तरह से डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी ने मारवाड़ी समाज के बारे में कहा। ये सच है कि मारवाड़ी समाज अपने कमाई का, जैसे सिख समाज है, ये समाज में ये फैला हुआ है कि ये समाज बहुत ही आगे है। अभी कोरोना में आपने देखा कि सिख समाज किस तरह से बढ़ चढ़ कर आगे आए थे और गुरुद्वारे आगे आए थे, और उसी तरह से ये मारवाड़ी समाज भी बहुत ही अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो है, इनकी परंपरा रही है, मारवाड़ी समाज की एक परंपरा रही है। जो लोग जानते हैं मारवाड़ी समाज को, जो पढ़ेंगे, उन लोगों को इस बात की जानकारी मिल जाएगी। तो CSR जो है वो सभी लोगों को, सभी समाज को करना चाहिए। यहाँ पर एक जो लोग जुड़े हुए हैं, एक बार मैं बता दूं कि झामेंद्र कुमार ध्रुव साहब सबसे पहले व्यक्ति थे। झामेंद्र कुमार ध्रुव साहब, जो लोग देर से जुड़े हैं, वो आकाशवाणी और दूरदर्शन के बहुत ही अच्छे जानकार हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन में क्या कुछ चल रहा है, पूरे देश भर की गतिविधियों की जानकारी के विशेषज्ञ हैं, और आपकी लेख को, आपके लेख को और जानकारियों को, समाचारों को, सूचनाओं को RGS के जो आकाशवाणी और दूरदर्शन का ग्रुप है उसमें साझा कर दिया जाता है, ताकि वो जानकारी पूरे देश भर की। झामेंद्र कुमार ध्रुव साहब, करुणेश दुबे जी देख रहे हैं, थैंक यू करुणेश जी, और दीप माथुर जी RGS ऑब्जर्वर अभी मौजूद हैं, धन्यवाद सर। और आप लोग कुछ लिख भी रहे हैं, जय हिंद वंदे मातरम आप सभी को है। और मैं दीप माथुर जी को कैमरे पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। दीप माथुर जी मैंने ऐड किया है, और बता दें कि नरेंद्र टटेसर जी जुड़ चुके हैं, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जुड़ चुके हैं, योगेश भट्ट जी, सुरजीत सिंह दीदेवार जी, कुमार राजाराम जी, सविता सहाय जी जुड़ चुके हैं। थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी तो थोड़ा सा माहौल भी हल्का हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आज ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को जोड़ते हैं। आज बहुत ही एक्सीलेंट सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना के द्वारा हुआ है। डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी का जो अभी सुन रहे थे आप मारवाड़ी समाज के बारे में, ये बिल्कुल सच्चा है ये, और समाज में जो सकारात्मक कार्य जो भी समाज कर रहा है उसको
दिखाना ही हम लोगों की आरजेएस फैमिली का उद्देश्य है। जी वंदे मातरम, ओम प्रकाश, वंदे मातरम, जय हिंद। जी 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 मुझे लग रहा है कि बैनर ठीक है, बैनर दिख रहा है, बैनर तो दिख रहा है ना। जी धन्यवाद। हाँ बताइए आज कैसे आपके स्टैंडर्ड का बैनर मैं नहीं बना पाया, बता दूं ना, ना, ये कोई मेरे पोते ने स्कीम बनाकर मेरे पीछे लगा दिया है। चलिए सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना के आप प्रभारी हैं, आप बताएं कि क्या कुछ आज के दिन काम हुआ है आरजेएस फैमिली को बताइए। आज के दिन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में अज्ञान ज्ञान की स्थिति चार स्थितियों में उसका व्यवहारिक कैसे करें यह मेरे युवा टोली ने सीखा, मेरे भाई बहनों ने सीखा और उसका व्यवहार किया। ये सकारात्मक बनने की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम वो नींव की तरह काम करती है जिसके ऊपर सकारात्मकता का हमारा अभियान बोझा हम संभाल सकते हैं और भूकंप भी हमें डोला नहीं सकता है। भूकंप का मतलब है कोई भी जैसे भी बुरी से बुरी परिस्थितियां हमारे विरोध में खड़ी हो तो हम खट नहीं सकेंगे। आज्ञाकारी बनना ये हमें बचपन से बालपन से सिखाया गया था और हम आज्ञाकारी बनने का मतलब था कि हम कुछ भी करें, अच्छा करते हैं बुरा करते हैं इसकी कोई परवाह नहीं थी परिवार में, लेकिन अपने बुजुर्गों को प्रणाम करके जाना होता था। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी आपसे ये जानकारी चाहिए गई कि मतलब आज की क्या गतिविधियां रही, आपने ओम डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी से आज बातचीत की और क्या क्या गतिविधियां रही। विष्णुपुरी जी से बातचीत हुई, साहित्यकार हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं और रात दिन लिखने में इनका टाइम बीतता है, इनकी पहुंच देश के कोने कोने तक है, लेकिन स्थानीय लोगों में इनको बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ती है, यहाँ के लोग उनको साथ नहीं देते हैं, उनकी बहुत बड़ी शिकायतें थी, मैंने घंटों तक उनसे बातचीत में शिकायतों को शांति से सुना, अंत में उन्होंने मारवाड़ी में हूँ इसलिए उन्होंने मारवाड़ी का शोध किया हुआ अपना बुक प्रदान करना चाहा लेकिन वो अवेलेबल नहीं है अभी, और मारवाड़ी पर शोध किया हुआ ये कार्यक्रम उन्होंने की जानकारी हमें दी जिसको मैंने आपसे साझा की है। जी धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पटना केंद्र की प्रस्तुति बहुत अच्छी है क्योंकि सकारात्मक कार्य और सकारात्मक प्रयासों को हम लोगों को डिस्प्ले करना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में भेजना है, फेसबुक लाइव में उसको लेना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी। अब आप मैं सकारात्मक जन आंदोलन आरजेएस का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिसने सकारात्मक लोगों को सकारात्मक विचार को आगे बढ़ाया है। ये हम लोग में जन्मजात गुण है, क्वालिटी है, हम सकारात्मक जन से हैं और मानव संपूर्ण जाति सकारात्मक जन से है, लेकिन उसके ऊपर जो है आवरण चढ़ गया है नकारात्मकता का, वो अज्ञान के वश से है, इसलिए ज्ञान की चार स्थितियों को प्राथमिकता देते हुए ये शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में इसको आगे ले जाया जा रहा है। मेरी आग्रह है
कि मेरे इस कार्यक्रम में ये बहुत कम समय का होता है, आप लोग साथ दें, योगदान आप लोगों का होना चाहिए, कहीं से कोई भी इसमें योगदान दे सकता है क्योंकि ये यूट्यूब पर चला जाता है। ओम शांति शांति। जी आप कट आप लिफ्ट करेंगे तो फिर दूसरे ऐड जी अब हम कोशिश कर रहे हैं सुरजीत सिंह दीदेवार जी, जिनकी आज सबसे पहले वो सकारात्मक विचार श्रृंखला सुन रहे थे। वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार सुरजीत सिंह जी। नमस्कार जी, वंदे मातरम, जय हिंद जी। जी जी सुबह सुबह लोग आपका अनमोल विचार सुन रहे हैं, आपका धन्यवाद और लोगों का भी धन्यवाद जो दो एक मिनट की बात को समझ रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, और यही बात मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं सारे आरजेएस ग्रुप का धन्यवाद करता हूं, मन्ना जी का स्पेशल, कि मन्ना जी पिछले 2 महीने इतना बीमार रहने के बाद डॉक्टर ने मना करा है उसके बावजूद वो पूरे एक्टिव हैं और ऐसा लग नहीं रहा कि वो कभी बीमार भी हुए थे। ये एक ऐसी दिशा है, ये सकारात्मक सोच है कि अपने विचारों को अगर ऐसा बनाएंगे तो कुदरत जो है प्रकृति साथ देती है और शरीर भी साथ देता है। आज वो बिना दवाई के भी बिल्कुल सही और रोज इतना अपटूडेट हर कार्यक्रम कर एक्टिव हैं, और ये हम सबको तरफ से ये बधाई के पात्र हैं। ये दीदेवार अपनी तरफ से एक स्पेशल कहना चाह रहा है। और अभी जॉली जी ने दिशा की बात करी कि आज का युवा जो है दिशाहीन है जी। उसे दिशा कैसे देनी है, यहाँ पर दीदेवार सीधा स्वयं के स्वामी की बात करता है। हर बच्चा कुदरत प्राकृतिक नियम से, हमेशा दीदेवार 3 नियम की बात करता है, प्राकृतिक नियम, मानव का व्यक्तिगत नियम और मानव द्वारा समाज का नियम। प्रकृति ने मानव को एक दिया है कि पहले 7 साल वो अडॉप्ट करता है अपने उस परिवार से, उस वातावरण से जहां उसका आगमन होता है, और वही उसकी दिशा निर्धारित हो जाती है। और हमारे माता पिता को, अभिभावकों को और खासकर स्कूल के अड़ोस पड़ोस के सभी का ये फर्ज बनता है कि हम अपने आने वाली युवा को अपने आचरण से उन्हें दिखाएं, क्योंकि बच्चा अडॉप्ट करता है, हमारा आचरण बिगड़ रहा है इसलिए बच्चा भी दिशाहीन हो रहा है। हम अपने आप को दिशा से, आचरण से सही करेंगे तो बच्चों को भी वही दिशा मिलेगी। कहीं ना कहीं हमारे तरफ भी त्रुटि रह गई है, हमें सर्वप्रथम अपनी कमजोरी को दूर करना है, मेरे बच्चे उसको देखकर कमजोरी दूर करेंगे। और रही बात, आज इतनी फैसिलिटी हो गई है, गूगल के अंदर हमारे समय में नहीं थी, इसलिए बच्चे को इंफॉर्मेशन इतनी मिल रही है कि वो कंफ्यूज है कहां जाए और क्या माने। इसलिए हमें अपने आप को समय निकालकर बच्चों से मित्रता के रूप में बात करनी चाहिए, और उसमें उनके लिए कौन सा प्रश्न है अपनी नॉलेज से प्यार से समझाएं, पिता बन के ना बना समझाएं, सहयोगी बन के, मित्र बन के समझाएं। हमारे में कमजोरी है कि हम अपनी औलाद के पिता बन के सिखाते हैं तो वो ना संतान प्रश्न कर पाती है ना वो पिता को सुन पाती है, और जब अंकल से बात करता है तो अंकल वो सहज करता है और अंकल भी सुन लेता है, तो हम उस समय पिता बन के नहीं बल्कि एक युवा हमसे प्रश्न कर रहा है ये सोच के देंगे, अभिभावक बन के बनेंगे, टीचर बन के करेंगे तो हम बच्चों को सही दिशा दे पाएंगे। दिशाहीन और दिशा दिखाना तो हमारा फर्ज है, हम अपने आप को कमी माने, बच्चों की कमी मत माने, क्योंकि बच्चे पास वास्ट नॉलेज आ गई है, हमें उस वास्ट नॉलेज हमारे बच्चे के लिए क्या सही है उसका ध्यान देना हमारा फर्ज है। हमें अपने आप को देखना है, अपने अपनी दिशा बदलें, हमारे बच्चों की दिशा बदल जाएगी, ये दीदेवार का कहना। जी अच्छा दीदेवार साहब, चूंकि आपने काफी अध्यात्म अध्ययन किया है और किताबें भी लिखी हैं, एक चीज जो मुझे लगता है हमारी शंका का समाधान कीजिए, कि कई लोग ये सब पूछते भी हैं कि हमारी जो माहौल है उसमें राजनीतिक चर्चा चाहे मीडिया हो, ये माहौल बनाते हैं, मीडिया के द्वारा माहौल बनाया जाता है, तो ज्यादा राजनीतिक चर्चा घर के अंदर टेलीविजन के माध्यम से बच्चा जो है वो राजनीतिक चर्चा को देखता है, बल्कि उसमें कई बार झगड़े लड़ाई की भी बातें देखता है और देश हित का, देश निर्माण की बात जो है इस तरह के आचरण राजनीतिज्ञों में कम दिखाई देते हैं, तो बच्चा कैसे कंफ्यूज हो जाएगा, वो तो उसको कैसे दिशा दी जा सकती है, हम किस तरह की चीजों को बच्चों तक पहुंचाएं। ये राजनीति का अर्थ बदल गया है, ये
पिछले कुछ समय से राजनीति का मतलब था कि कौन सी नीति अपनाई जाए जिससे राज सुचारू रूप से चला जाए। आज ये हो गया कि व्यक्तिगत हो गई है, समाज का नाम या देश का राष्ट्र का नाम से मैं कौन सी नीति अपनाऊं कि मैं राज कर पाऊं, और उसकी नीति बनाई है कि मेरी जो बुराई की लाइन है वो छोटी है, मैं दूसरे की छोटी बुराई को भी बड़ी बुराई करके बताऊं। ये जो संप्रदाय आपस में कंपटीशन और दूसरे के झूठ को बड़ा बताने के लिए बात है, ये हर बच्चे को और हमें स्वयं को भी देखना होगा कि हम स्वयं से देखें कि ये उचित लग रहा है कि नहीं लग रहा। और एक बात को ध्यान रखिएगा कि हम जो खाते हैं वही हजम करना होता है, हमने जो नहीं खाया वो हम हजम नहीं करेंगे। तो राजनीति के अंदर जो भी नेता दूसरे की बुराई और कमी बता रहा है वो समझ लो कि वो इंसान ही गलत है, जो अपनी खूबी बता रहा है कि मैं ये कर रहा हूं और ये करूंगा उस पर ध्यान देना है। कमजोरी हर एक में है, जो वो कमजोरी देख रहा है इसका मतलब कमजोरी खा रहा है, इसके अंदर कमजोरी आ रही है। मैंने सिर्फ अपने भीतर जो मेरे लिए सही बात कर रहा है, उचित बात कर रहा है, मैं अच्छी बातें खाऊंगा, अच्छी बातें अडॉप्ट करूंगा, वही हजम करूंगा। और राजनीति के अंदर जब भी कोई नेता दूसरे की बुराई और कमियां दिखाता है, और जो मीडिया भी छोटी छोटी कमियां दिखा रहा है किसी प्रकार की भी, उससे दूर रहें, और जो मीडिया सकारात्मक बताता है उसी पे ध्यान दें। ये हर युवा को आज 6 या 7 साल के बच्चे को ये इतनी समझ आ चुकी है क्योंकि इसी इन्फॉर्मेशन में है। तो बच्चे को भी आजादी से देखें और माँ बाप उसका जो रिमोट है उसमें देखें कौन सा चैनल देख रहा है, वो अगर आप वो चैनल सही देख रहा है तो माँ बाप को संतुष्ट होने चाहिए। अगर हम वो चैनल देख रहे हैं नेगेटिव वाला तो बच्चा भी अडॉप्ट करेगा, हमें भी वो नेगेटिव वाला चैनल नहीं देखना है, हमें अपने में सुधार लाना है। हम अगर नेगेटिव खा रहे हैं तो हमारे में नेगेटिव आएगी, अगर हम सही खा रहे हैं सकारात्मक खा रहे हैं तो सकारात्मक आएगी। हर व्यक्ति विशेष में कुछ ना कुछ गुण है, हम हर व्यक्ति में गुण देखेंगे, हर नेता में गुण देखेंगे, हर राजनीति में गुण देखेंगे तो हमें गुण मिलेंगे। अगर हम सब जगह ओगुण देखेंगे तो हमें शरीर के ऊपर ओगुण ही आएंगे। सो दीदेवार ने सदा हर एक के अंदर गुण देखे हैं, इसलिए उसके अंदर थोड़े से गुण आ गए हैं, नेगेटिव देखा ही नहीं इसलिए नेगेटिव बहुत कम है। और यही मैं अपने बच्चों को और समाज को भी यही कहना चाहता हूँ, राजनीति कितनी भी गलत हो जाए, मीडिया कितना भी गलत हो जाए, जितना भी प्रचार प्रसार करे, हम स्वयं के स्वामी हैं, हमें अपने भीतर भी ये सोचना होगा क्या ये उचित बात है कि नहीं है। इसके अंदर हमारे धार्मिक नेता भी दोषी हैं, हमें ये भी देखना है कि जो धार्मिक बातें कही जा रही हैं वो आज के लिए उचित हैं या नहीं है। जो कल बीत गया वो जो व्यतीत हो गया वो अतीत हो गया, क्या वो अतीत आज के लिए व्यतीत हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हम उसको छोड़ दें। उनकी बातों में ये श्रद्धा का भी जो है हम अपने विचार से करें, अपने भीतर सकारात्मक लाएं। अंधेरे को कभी कोई दूर नहीं कर सकता, जरा सी लाइट जला दो अंधेरे का वजूद वहां खत्म हो जाता है। हम अपने भीतर सकारात्मक लाएं तो नकारात्मक बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सकारात्मक ले आएंगे। अंधेरे को दूर करने की कोशिश न करें, नकारात्मक दूर करने की कोशिश कभी मत करें, हमारा ध्यान नकारात्मक में रहेगा, सकारात्मक की कोशिश करें, नकारात्मक हमारे पास आएगा ही नहीं। मेरे घर अगर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है वो नहीं जा सकता, मैं अपने घर में कलर टीवी ले आऊं तो ब्लैक एंड व्हाइट अपने आप कब निकल जाएगा मेरे घर से मुझे नहीं पता रहेगा। अपने अच्छी चीजें अपनाएं और बुरी चीजें अपने हमारे जीवन से चली जाएंगी, ये हमें देखना। सकारात्मक भारत आंदोलन यही एक दिया की तरह है जो देश में जलाने की कोशिश की जा रही है। आपका रोज ऑडियो लोग सुन रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये मांग आ रही है कि आपकी वीडियो भी आनी चाहिए। जैसे सुबह में लोगों ने अनमोल विचार का दर्शन किया, सुबह सुबह मन फ्रेश हो जाता है दीदेवार सकारात्मक विचार श्रृंखला सुनकर, लेकिन आपकी वीडियो से भी रूबरू, जैसे आज आप आकर फेसबुक लाइव में वीडियो बता रहे हैं तो उसी तरह से आपकी वीडियो भी छोटी-छोटी हर अगर वैसे मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दीदेवार के नाम से यूट्यूब पे मेरे सारी वीडियोस हैं, सैकड़ों वीडियोस लोड हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा उससे सुनेंगे। और हर वीक को एक दिन मैं अपनी वीडियो भी बना के भेजूंगा, और वीडियो हफ्ते में एक दिन आएगी और ऑडियो जो है हफ्ते में 6 दिन आएगा, संडे को अवकाश लेंगे। क्योंकि वो जो वीडियो होगी आपकी वो समसामयिक घटनाओं पर आधारित होगी, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई घटना हो गई तो लोगों की जो सोचने की दिशा है वो मार्गदर्शन करे वीडियो। तो वीडियो जो मेरे को इस हफ्ते आप प्रश्न देंगे मैं उसी पे वीडियो का आंसर अगले बार मिलेगा। तो जो भी प्रश्न आपके पास किसी माध्यम से आएगा वो प्रश्न मुझे दे दीजिएगा, अगले हफ्ते उसी का आंसर उन्हें मिलेगा। आरजेएस फैमिली से लाइव में दीदेवार साहब ने ये कहा है कि आप लोग प्रश्न भेजिए ताकि उसका समुचित जवाब समसामयिक समस्याओं पर आधारित, जो भी समस्या हो रही, शंका हो रहे हैं ना,
उसका समाधान दीदेवार साहब करेंगे और उसकी वीडियो आप लोगों को मुहैया कराई जाएगी। तो आप लोग प्रश्न है अपनी शंकाओं का भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदेवार साहब, सुरजीत सिंह दीदेवार साहब, जय हिंद जी, लाइव सबका बहुत बहुत प्रणाम, थैंक यू वेरी मच सर। तो अब हम चाहेंगे कि एक युवा जुड़े हुए हैं, अगर उनका वैभव आपका रिक्वेस्ट आए तो हम आपको जोड़ लें। वैभव भारद्वाज, वैभव भारद्वाज आपका रिक्वेस्ट आए तो हम जोड़ लें। इस वक्त दीप माथुर जी, दीप माथुर जी का अगर आता है तो मैं जोड़ लूंगा, ऐड कर लूंगा। दीप माथुर जी, कोई ऑप्शन आ रहा होगा जिसमें ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट जी। सर दीप माथुर साहब आपको ऐड किया गया है, दीप माथुर साहब आप लाइव आ रहे हैं, आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर साहब लाइव आने वाले हैं। अभी ऐड हो रहे हैं दीप माथुर साहब, अगर आप लोग ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट भेजें तो आपको ऐड कर लिया जाएगा। आप देखिए आपके स्क्रीन पर ज्वाइनिंग का कोई ऑप्शन आ रहा होगा। डिक्लाइन हो गए। हाँ दीप माथुर जी को ऐड किया जा रहा है। दीप माथुर जी ऐड का ऑप्शन जी। दीप माथुर जी वंदे मातरम। हाँ वंदे मातरम जी। कैमरा थोड़ा ऊपर कर लीजिए, आपका पूरा चेहरा आए स्क्रीन पे। हाँ बिल्कुल, और थोड़ा ऊपर, और थोड़ा ऊपर ऊपर। हाँ हाँ ठीक है, फर्स्ट क्लास सर, फर्स्ट क्लास सर। आज आपने एक सूचना दी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या है वो। 1 जुलाई का जो है डॉक्टर साहब को लेकर, डॉक्टर के अग्रवाल साहब जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए थे, आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन आरजेएस फैमिली जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो थोड़ा उस पर प्रकाश डालें क्या कुछ आरजेएस फैमिली जा रही है। डॉक्टर के अग्रवाल आरजेएस फैमिली से बहुत निकट रूप से जुड़े हुए थे और वो हमेशा हमारी प्रेरणा का स्रोत रहे और वो हमारे विभिन्न कार्यक्रमों में आए और उन्होंने जो हमको जानकारी दी बहुत ही ज़्यादा वो लाभदायक रही और वो हमारे परिवार का अभिन्न अंग थे, हमारे जो आरजेएस परिवार का वो अभिन्न अंग थे और उन आरजेएस फैमिली के लिए उनके हृदय में विशेष स्थान था। जब भी हम बुलाते थे वो हमारे कार्यक्रमों में आते थे और बड़े उत्साह से पार्टिसिपेट करते थे। उनकी अपना इतना ज्ञान था, अनुभव था और उनकी कम्युनिकेशन की इतनी अच्छी पावर थी कि वो अपनी तरफ सभी को सम्मोहित कर लेते थे और उन्होंने हमारे परिवार के लिए, आरजेएस फैमिली के लिए बहुत कुछ किया और हमारा सदैव मार्गदर्शन किया, उसके हम अनुग्रहित रहेंगे। इसके लिए हम एक हमने अवार्ड भी घोषित किया है और हम समय समय पर उनके लिए, उनकी याद में, उनकी स्मृति में, उनको अपने जो एक रिगार्ड्स के रूप में कुछ कम्युनिकेट करने के लिए सदैव हम तत्पर रहेंगे। हम इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और हम इसको समय समय पर आपको इसकी सूचना देते रहेंगे और जो हमारे जो आरजेएस एक ग्रुप हैं हम आपको बताते रहेंगे और हमारी एक हार्दिक इच्छा है कि आरजेएस परिवार के सदस्य
हमारे हमारे जो कार्यक्रम हैं, हमारे वेबिनार हैं, उनसे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो एक आजेस परिवार और उसके जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं उदय कुमार मन्ना जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें वो हमारे अपने हित में भी होगा, हमारे समाज के हित में भी होगा, हमारे राष्ट्र के हित में भी होगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने आरजेएस परिवार के साथ जुड़ें और उदय कुमार मन्ना जी का उत्साहवर्धन करते रहें, उन्हें आशीर्वाद देते रहें ताकि ये अपने उसी उत्साह से, लगन से, समर्पण से समाज के उत्थान के लिए, समाज की आगे बढ़ने के लिए, प्रगति के लिए, हम सब की भलाई के लिए एक जो अद्भुत मंच को और गति प्रदान कर सकते हैं। ये आरजेएस फैमिली जो है एक एक बहुत अद्भुत मंच है और उदय कुमार मन्ना जी जो है इसके इसकी जान है, एक्चुअली इसके प्रेरणा सूत्र भी नहीं, इसके सब सब करता धरता उदय कुमार मन्ना जी हैं। उनमें इतना उत्साह है और बहुत सबके प्रति वो चाहते हैं कि सभी लोग पॉजिटिव सोचें, आप पॉजिटिविटी अपने जीवन में अपनाएं और सब लोग उत्साह से जीवन व्यतीत करें। और इसके लिए हम सबका एक कर्तव्य है कि हम उदय कुमार मन्ना जी को प्रोत्साहित करें, इनके जो फेसबुक लाइव है या वेबिनार है या जो भी अन्य कार्यक्रम है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करें। हम अपनी फैमिली वालों को, फैमिली के सदस्यों को, जो और जो हमारे मित्रगण हैं, हमारे बंधुवर हैं, हमारे संबंधी हैं, उनको भी आरजेएस फैमिली से जोड़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि आरजेएस में नेगेटिव कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। और जब हम इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी का अद्भुत संचार होगा। उदय कुमार मन्ना जी खुद इतने मोटिवेटेड हैं कि उनके संपर्क से ही हम सब लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आरजेएस फैमिली से, परिवार से जुड़ें और उदय कुमार मन्ना जी का उत्साहवर्धन करते रहें। 1 जुलाई को वेबिनार हो रहा है, उसमें सब लोगों को जुड़ने का। जी, 1 जुलाई को वेबिनार होगा हमारा एक, और उसमें हम के अग्रवाल जी को विशेष रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम में ज़रूर अपनी सहभागिता प्रदान कर इस महान हस्ती को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। अभी आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी से सुन रहे थे और 1 जुलाई को जो वेबिनार है वो राष्ट्रीय वेबिनार है और उसमें डॉक्टर के अग्रवाल साहब के नाम का आरजेएस का पहली बार जो है एक अवार्ड घोषित किया जाएगा, डॉक्टर के अग्रवाल मेमोरियल अवार्ड, और चर्चा की जाएगी उसमें इम्यूनिटी और COVID-19। आप जानते हैं कि इम्यूनिटी की आज बहुत ज़रूरत है, कोई भी लहर आ जाए अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसमें कहीं कोई कमियां जो हैं उसको दूर किया जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना होने के बाद भी जब इलाज होता है तो शरीर की इम्यूनिटी उसमें काम आती है। इलाज के दरमियान बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, बहुत सारी सुइयाँ लेनी पड़ती हैं, वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है, ICU में जाना पड़ता है, उस वक्त आपके शरीर की इम्यूनिटी बहुत काम आती है। इसलिए 1 जुलाई को 11 बजे के वेबिनार में बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे जो इम्यूनिटी के बारे में अलग अलग एंगल से, डाइटिशियन भी आएंगे, डाइटिशियन की मतलब आप क्या खाएं जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा और दवाइयाँ कौन सी, मतलब कौन कौन से विटामिन और ये चीज़ें हैं जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय लिया गया है और डॉक्टर के अग्रवाल साहब के बारे में आप लोग जानते ही हैं, उनकी वीडियो कई हज़ार YouTube पर लोड है और हर विषय पर उन्होंने जागरूक किया, कई हज़ार लोगों की जान बचाई उन्होंने गाइड करके, लेकिन स्वयं जो है वो कोविड से हार गए और एक तरह से वीरगति प्राप्त कर गए, कोरोना योद्धा थे, उन्होंने लोगों की काफ़ी जान बचाई अपने सलाह से, सुझाव से, घर बैठे ही, हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, उनका कहना था कि घर में ही कोरोना जो है वो
ठीक कर देंगे, ऐसा उनका विश्वास था और किया भी उन्होंने। और मीडिया एडवोकेसी का कार्यक्रम करते थे हर हर मंडे, और आधे घंटे के लिए हम लोगों को, जो पत्रकार लोग हैं उन लोगों को वो आधे घंटे तक कोरोना के बारे में नई नई जो लेटेस्ट जानकारियां थी, रिसर्च आ रहे थे, उसके बारे में अवेयर करते थे। तो ऐसे थे डॉक्टर के अग्रवाल। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने समाज को दिया है, एक ऐसा महान व्यक्तित्व हम लोगों की आरजीएस फैमिली में रहा। आज वो नहीं है, लेकिन आरजीएस फैमिली इस अवार्ड को देकर जो है उनके उनके एहसास को बराबर जिंदा रखेगी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये जो स्लोगन है, ये आरजीएस फैमिली उस पर आचरण कर रही है, यही आचरण करने का ही अभियान है सकारात्मक भारत आंदोलन। इसमें जो लोग भी आ रहे हैं, जो लोग भी बोल रहे हैं, वो स्वयं जो बातें कह रहे हैं उस पर आचरण भी करते हैं। तो यही है सकारात्मक भारत आंदोलन। ये कोई प्रवचन का लाइव नहीं है, ये आचरण करने का लाइव है। तो चलिए अब देखते हैं, अब ऐड करने के लिए अमर जी को अप्रूव कर रहा हूं। अमर जी, आप नहीं, अब किसी का रिक्वेस्ट नहीं है तो समय भी हो रहा है, मेरे ख्याल से एक घंटा हो गया। हम लोग आधे घंटे में संभव नहीं है, हमने सोचा था कि आधे घंटे का करूंगा, लेकिन योगेश भट्ट जी, आप अगर रिक्वेस्ट भेजें तो आपको लाइव ले लिया जाएगा। हरीश, हाँ हरीश, हरीश कुमार शर्मा, आप लाइव रिक्वेस्ट भेजें तो आपको हम ले लें, लाइव ले लें। हरीश कुमार शर्मा, पवन कुमार शर्मा जी, नरेन टटेसर जी, नरेन टटेसर जी, आप रिक्वेस्ट भेजें तो आपको ले लिया जाएगा। अभी रिक्वेस्ट नहीं आया है तो मैं, हरीश कुमार शर्मा आप ट्राई कर रहे हैं, एक मिनट देख लेते हैं, उसके बाद इस लाइव को विराम दिया जाएगा। आप लोगों तक जो जानकारियां पहुंचानी थी, सफलता की ऊंची उड़ान जो कि आज ही आरजीएस वाणी ने बातचीत की थी जेपीएस जौली साहब से, उसको सुनाया गया आपको। वैसे सभी आरजीएस के ग्रुप में सकारात्मक समाचार सूचनाएं साझा कर दी जाती हैं, आप लोग उसको निश्चित रूप से सुनिए। जामुन के बारे में बताया गया, देखिए जामुन के साथ दूध नहीं लेना चाहिए, ये जानकारी लोगों तक फैलाइए, यही सकारात्मक समाचार सूचना है, यही सूचना है जो जो लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जामुन के साथ हल्दी नहीं लेना चाहिए, जामुन के बाद दूध नहीं लेना चाहिए, दूध और जामुन का रिश्ता ठीक नहीं है। इसके साथ मारवाड़ी शब्द और समाज के क्या प्रयास हैं देश को, देश निर्माण में, उसके बारे में पटना केंद्र द्वारा बातचीत थी डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी की, वो सुनाया गया। और दी देवार सकारात्मक विचार श्रृंखला जो है वो आज का आपको सुनाया गया, वो लगातार सुबह सुबह आपके पास जाता है, आप लोग जरूर इसको सुनिए। ये धीरे धीरे परिवर्तन जो है ना, और सोच में सोच पुख्ता होती जाएगी, क्योंकि सकारात्मकता का जो मंत्र है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता है। पॉजिटिविटी आपके एनर्जी को बढ़ा देती है, एनर्जी लेवल को बढ़ा देती है, इम्यून बूस्टर का काम करती है, लेकिन एकदम से नहीं आएगा, वो भी एक हीलिंग पावर है, धीरे धीरे आ जाती है। लेकिन आप अगर इसमें इंटरेस्ट लेंगे तभी उसका फायदा मिलेगा, दवा खाएंगे तभी तो दवा असर करेगी। तो आप आरजीएस की जो भी चीजें जा रही हैं उसको कम से कम उलट पलट के थोड़ा सा आप देखिए, उसको उसको थोड़ा सा सुनिए, उसको देखिए सुनिए, थोड़ी सी थोड़ी देर, उससे व्यूज भी आ जाते हैं, उस व्यूज के आने से लोगों में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा एक दूसरे का। कभी आपका नंबर आ जाएगा तो आपकी भी वीडियो आरजीएस वाणी में सुनाई जाएगी, दिखाई जाएगी, तो दूसरे भी उसको देखेंगे। ये एक विचार जो है लेकर चलिए कि अच्छी चीजों को जो है हमें समर्थन देना है, तो आपको भारत जो है निर्माण होगा, अच्छी चीजें, अच्छा भारत बनेगा। ये चीजें आप लोगों तक पहुंचा दी गई। और फेसबुक लाइव आपको डेली हफ्ते में 3 दिन आप देख सकते हैं, थर्सडे सैटरडे एंड संडे, ये 24 जुलाई तक फेसबुक लाइव 3 दिन हफ्ते में आप 8 बजे जुड़कर देख सकते हैं। वहां 24 जुलाई सकारात्मक भारत दिवस है, ये सकारात्मक भारत दिवस 24 जुलाई, सकारात्मक भारत दिवस 24 जुलाई,
तो 24 जुलाई को आप लोग वेबिनार होगा 11 बजे से 24, तब तक ये फेसबुक लाइव जो है तो हफ्ते में 3 दिन चलेगा मेरे ख्याल से। अब कोई ये नहीं आ रहा है तो अब हम लाइव आपको नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपका किसी का रिक्वेस्ट ज्वाइन करने के लिए नहीं आया है, इसलिए अब लाइव नहीं ले सकते हैं। और समय हो गया है, अब 9 बजने वाले हैं, तो जय हिंद जय भारत करके आप अगर टिप्पणी छोड़ जाएं घनश्याम तिवारी जी तो अच्छा लगेगा। वंदे मातरम कहा है आपने, जय हिंद वंदे मातरम। घनश्याम तिवारी जी बहुत ही अच्छे बुद्धिजीवी हैं, देश समाज के बारे में फेसबुक पे टिप्पणी करते हैं। वैभव भारद्वाज जी आरजेएस युवा टोली के सदस्य हैं और सभी आरजेएस भाई बहनों को प्रणाम भेज रहे हैं वैभव भारद्वाज। योगेश भट्ट जी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, काफी काफी अनुभवी, और वंदे मातरम भेज रहे हैं आपको भी योगेश भट्ट जी। पवन सिंह चौहान वंदे मातरम लिख रहे हैं आपको भी पवन जी वंदे मातरम। दीप माथुर जी ने जौली साहब को बेस्ट रिकॉर्ड भेजा है और लिखा है ग्रेट पर्सन इंडीड जौली साहब। तो जौली साहब आपका इंतजार होगा अगले आरजेएस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में, और आपकी किताब सफलता की ऊंची उड़ान से कुछ अंश जो है वो बीच बीच में हम लोग सुनाएंगे फेसबुक लाइव में। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी काफी सक्रिय हैं और बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं, सकारात्मक भारत आंदोलन को पूर्ण रूप में समर्थन दे रहे हैं, साधक हैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, और सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना के प्रभारी हैं। करुणेश दुबे जी आप देख रहे हैं, आपकी टिप्पणी नहीं आई है करुणेश दुबे जी, लेकिन आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप टिप्पणी कर सकते हैं, कैसा लगा कार्यक्रम आपको, इस तरह की चीजें क्या देश निर्माण कर सकती हैं। जय हिंद जय वंदे, जय हिंद वंदे मातरम। झावेंद्र कुमार ध्रुव साहब सबसे पहले जुड़ने वालों में से थे और उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन की जानकारियों के विशेषज्ञ हैं, पूरे अखिल भारतीय जो भी आकाशवाणी और दूरदर्शन के किसी भी केंद्र में कोई भी चीजें होती हैं तो वो शेयर करते हैं, और आरजेएस की दूरदर्शन और रेडियो की जो का जो ग्रुप है उसमें भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि आप लोग अपनी महिलाओं को आरजेएस के महिला ग्रुप में ज्वाइन करा सकते हैं, क्योंकि समाचार सूचनाएं अब महिलाओं का एक अलग 2 ग्रुप बनाए गए हैं, उसमें आप उनको ज्वाइन करा सकते हैं ताकि वो भी जागरूक हों, देश निर्माण में उनका भी कुछ योगदान हो। तो 2 ग्रुप जो है वो धीरे धीरे महिलाएं उसमें बढ़ती जा रही हैं, 250 होंगी महिलाएं, यानी कि 500 महिलाएं आरजेएस के महिला ग्रुप में हो जाएंगी दोनों ग्रुपों में, और 2 सेंटर जो हैं वो ऑलरेडी ओपन हो गए हैं जमशेदपुर में और पटना में। सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना और सकारात्मक भारत सूचना केंद्र जमशेदपुर झारखंड, तो दोनों जगह से अब धीरे धीरे जो है वो कुछ वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे आने वाले दिनों में। तो जय हिंद जय भारत आप सभी को। कल सायं 8 बजे फिर हम अपेक्षा करेंगे कि आप लोग जुड़ेंगे, कुछ बातें होंगी, और आप लोग रिक्वेस्ट भेजते रहें क्योंकि आपके रिक्वेस्ट से ही ये कम्युनिकेशन 2-वे हो जाएगा और अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और आरजेएस फैमिली को भी अच्छा लगेगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल सायं 8 बजे।